दोस्तों यदि आप तैयारी नहीं है और यदि आप टेस्ट पेपर लगाते हो ना और यदि आपके 150 में से 50 या 60 क्वेश्चन सही है तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट का मतलब यह है आप अंदर से सोचोगे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज्यादातर का सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है, वो डाउट ही आ रहा है कि किस किस को मॉडल पेपर लगाना चाहिए, मतलब कि किस किस को टेस्ट देना चाहिए और किस किस बच्चे को टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो ज्यादातर मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि जब मैं टेस्ट पेपर देता हूं तो मेरे 150 में से सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज का दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब आपके पास 25 से 28 दिन बचे हैं, 28 दिन का समय आपके पास बचा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का, तो क्या आपको टेस्ट पेपर देना चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहिए तो किसको खरीदना चाहिए। तो सभी डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना। यदि आपको बी पार्ट से डर लगता है तो मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दिया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट नाम से, वहां पर दोस्तों मेरी 40 से 45 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यदि आप वो वीडियो देख लेते हो और करंट जीके पढ़ लेते हो तो यूं मान लो दोस्तों और बच्चों से आप बहुत आगे तक चले जाओगे। तो वीडियो आप जरूर देख लेना, अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट नाम से। अब ज्यादातर का डाउट आ रहा है क्या मॉडल टेस्ट पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपकी तैयारी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपकी तैयारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आपका सिलेबस है वो यदि आप 70% से ज्यादा कवर कर लिया है, 70% से ज्यादा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपकी तैयारी है दोस्तों 70% आपकी तैयारी है तो ही आपको दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर लगाना चाहिए। मैं सर क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास 28 दिन का समय बचा है और ज्यादातर मेरे पास ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी तैयारी तो अच्छी खासी है लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर में हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, हमारे 50 बन रहे हैं, हमारे 60 बन रहे हैं। दोस्तों 50-60 तो क्या 70-80 पे भी आपकी पार नहीं पड़ने वाली। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा जिसकी भी तैयारी 70% से कम है उसको अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, उसको जितना हो सके जितना दोस्तों टॉपिक क्लियर करने चाहिए, थ्योरी पढ़नी चाहिए और टॉपिक क्लियर करना चाहिए। अब बहुत ज्यादा मेरे पास ज्ञान भी लगाएंगे तो ज्ञान वालों को मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सही बात बोल रहा हूं। जिसकी भी तैयारी 70% है उसी बच्चे को टेस्ट पेपर लगाना चाहिए जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। यदि आपकी तैयारी है ही नहीं, बहुत ऐसे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं जिनको अभी यही पता नहीं है कि राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, और यदि वो टेस्ट पेपर लगाएंगे मॉडल टेस्ट पेपर तो उसके 100-150 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, उसके तो ज्यादा ज्यादा दोस्तों 40-50 क्वेश्चन सही होंगे और वो अपना खुद टाइम खराब कर रहा है। तो ज्यादातर का जो डाउट आ रहा था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया, जिसकी भी तैयारी 70% से ज्यादा है उसी बच्चे को मॉडल टेस्ट पेपर लगाना चाहिए, जिसकी भी तैयारी 70% से कम है, ठीक है 40% है 35% है तैयारी, उनको मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लगाना चाहिए, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है पहले। क्योंकि दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर किसके लिए बने हैं, आपकी तैयारी जांचने के लिए कि आपकी तैयारी कितने परसेंट है। तो दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आप बिल्कुल दोस्तों बेझिझक मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, तैयारी अच्छी नहीं है तो पहले टॉपिक क्लियर करो। 28 दिन का समय है दोस्तों, यदि आप एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करोगे ना तब भी आप सिलेबस को आराम से कवर कर लोगे। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा टेंशन नहीं लेनी है, जिसकी भी तैयारी अच्छी खासी है वो टेस्ट पेपर लगा सकता है, अन्यथा अपना समय बर्बाद मत करो और वो आपके ऊपर है दोस्तों। मेरा काम है आपको दोस्तों बताना, मैंने आपको बता दिया। मेरी मानो दोस्तों जिसकी भी तैयारी नहीं है तो पहले तो वो टॉपिक क्लियर करो, पहले वो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर निकालो। अब ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा मॉडल टेस्ट पेपर नहीं निकालेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देते, बहुत देते भी हैं। और सबसे बड़ी बात बता दोस्तों, यदि आप कोई बड़े टीचर से पूछोगे ना तो क्योंकि वो क्या करते हैं टेस्ट पेपर बेचते हैं तो वे पैसे कमाते हैं, तो वो आपको यही सजेशन देंगे कि मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ, हमारा टेस्ट पेपर खरीद लो, 50 रुपए में एक मॉडल टेस्ट पेपर, 1 रुपए में, 2 रुपए में, उनके उससे कमाई होती है दोस्तों, कमाई होती है उनके, जिस कारण से वो आपसे बोलते हैं कि जितना हो सके जितना मॉडल टेस्ट पेपर दो। लेकिन मैं तो दोस्तों मैं आपसे कमाई कर रहा ना कुछ कर रहा, जो बात है हकीकत वो मैंने आपको बता दिया। बड़े बड़े जो भी टीचर है जो आपसे बोलते हैं ना कि जितना हो सके अंतिम समय में टेस्ट पेपर दो, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा उनके चक्कर में मत पड़ो, टेस्ट पेपर उनको देना जिनका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है, जिनकी तैयारी अच्छी खासी है, अन्यथा अपना समय बर्बाद मत करो। आगे बता दूं, बहुत ये भी बोलते हैं कि मेरी तैयारी है वो 80% है, 85% है, 90% है, लेकिन पेपर जब मैं देता हूं ना टेस्ट पेपर उसमें मेरे सिर्फ 110 नंबर बढ़ रहे हैं, 105 नंबर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर यदि आपके 110 नंबर बढ़ रहे हैं ना तो आराम से दोस्तों आप वहां पर 120 पे पहुंच जाओगे, वहां पर आप दोस्तों आराम से 118-120 क्लियर कर जाओगे। ये थोड़ा
क्या होता है थोड़ा दोस्तों कठिन बनाते हैं और यहाँ पर और भी पेपर आपका थोड़ा सरल आने वाला है। तो दोनों डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए, किस किस को मॉडल टेस्ट पेपर देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको तैयारी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो ये डाउट आ रहा था ना, जो डिमोटिवेट हो रहे थे कि मेरे तो 110 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं टेस्ट पेपर के अंदर, उनको भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यदि आप तैयारी नहीं है और यदि आप टेस्ट पेपर लगाते हो ना, और यदि आपके 150 में से 50 या 60 क्वेश्चन सही है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट का मतलब यह है आप अंदर से सोचोगे कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आपने जम के तैयारी करी, डायरेक्ट पेपर अटेम्प्ट किया और वहां पर यदि आपने 120 के आसपास क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपने सभी डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए हैं। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना और वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।